वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और राइड फॉर गाइड में आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो आज आपको पता है कि किस बारे में है। गाइस वेलकम बैक। और मैंने बाइक को परचेज करा था 2016 में। क्यों मना कर रही हो, क्या हो गया, कुछ गलत बोला? मैंने इस बाइक को परचेज करा था 2017 में नवंबर में। हाँ बोल रही है, मतलब मैं सही बोल रहा हूँ। तो मैंने इस बाइक को खरीदा 2017 नवंबर में। BS4 मॉडल है और अब तक ये चल चुकी है 24,000 किलोमीटर सक्सेसफुल। फ्लैशबैक में देखिए मैं इस बाइक को कहाँ कहाँ लेकर गया हूँ और क्या क्या मैंने इसे कहाँ कहाँ कौन कौन से टेरेन कंप्लीट करे हैं। चलिए फ्लैशबैक में चलते हैं। हाँ जी, तो मैंने इस बाइक को परचेज करा था 23 नवंबर 2017 को और बाइक की जो प्राइस थी अराउंड थी 1,04,000 रुपये। तो BS4 मॉडल है। और इस बाइक को ख़रीदने के पीछे कुछ रीज़न थे मेरे, क्योंकि एक तो सबसे पहले ये इसका सिटिंग पोस्चर काफ़ी अपराइट है और कंफर्टेबल है। बाइक को परचेज़ करने से पहले मैंने कुछ राइड करी थी 2017 में ही। दिल्ली टू लैंसडाउन की एक राइड थी, आई बटन में लिंक आ रहा होगा, तो वो राइड करी थी मैंने। बजाज एवेंजर स्ट्रीट 220cc रेड कलर की थी वो बाइक, मैंने रेंट पर ली थी। तो उस बाइक से जब मैंने ट्रैवल करा, राइड करी, तो मुझे रियलाइज़ हुआ ये बाइक तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। अगर मैं सोलो चलता हूँ और एज ए पिलियन भी बैठता हूँ तो भी राइड बाइक जो है काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है। मैंने मन बना लिया कि इस बाइक को परचेज़ करते हैं। अब ये वो दिन था जब मैंने इस बाइक को परचेज़ करा। तो अब बात आती थी लॉन्ग राइड की। तो मैंने सबसे पहले अपनी लॉन्ग राइड करी थी उत्तराखंड की तरफ, तकरीबन 750 किलोमीटर अप एंड डाउन। उत्तराखंड में एक जगह है टनकपुर और टनकपुर की आगे जगह है माँ पूर्णागिरी देवी टेंपल, वहाँ तक गया था मैं। तो बाइक ने उस पूरे रीजन में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा था। अप हिल्स में, डाउन हिल्स में काफ़ी अच्छे से इसने परफॉर्म करा। ब्रेकिंग वगैरह काफ़ी अच्छी थी। तो मुझे रियलाइज़ हुआ इस बाइक को लेकर मैंने कोई गलती नहीं करी और लोगों से मिलने का मज़ा फिर आ रहा था उस दौरान। और पूरे जर्नी में सबसे पहली बात थी कि बाइक का जो टायर है वो ट्यूबलेस है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी किसी भी तरीके से कहीं भी इसको ले जाने में। और सेकंड टाइम मैं इसको फिर मैं लेकर गया नैनीताल के साइड वैलेंटाइन डे के आसपास। जी हाँ यार, अकेले मनाना पड़ा। और उसके बाद मैंने अब तक की सबसे लॉन्गेस्ट और टफेस्ट राइड करी, जी हाँ, लद्दाख, खारदुंगला टॉप, इन सब जगह की। तो ये राइड में मुझे एहसास हुआ कि यार कि हाँ ये बाइक सच में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। ऑफ रोडिंग में थोड़ा सा इसको धीरे निकालना होता है, बट ओवरऑल ही बाइक ने बहुत अच्छे से परफॉर्म करा एंटायर J&K एंड लद्दाख में। तो खारदुंगला टॉप पर जाते हुए भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई और मेजर ब्रेकडाउन कहीं भी नहीं हुआ अब तक। ये सन 2019 चल रहा है 2019 और अभी तक कोई मेजर ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। और लद्दाख की राइड तकरीबन थी 4,500 किलोमीटर के आसपास अप डाउन मिला के, मतलब मेरे होम टाउन लखनऊ से खारदुंगला टॉप पर अच्छे अच्छे बाइक की जो सांस उखड़ जाती है, लेकिन इसकी सांस नहीं उखड़ रही थी आराम से। इसने सेकंड गियर में मैंने इसको पुश करा और वापस आते टाइम हमने लिया था मनाली ले वाला हाईवे। रास्ते की हालत कुछ ऐसी थी लेकिन बाइक तो बस पानी की तरह बहती जा रही थी, चलती जा रही थी। तो बट हाँ, ऑफ रोड पर इसको थोड़ा सा धीरे निकालना होता है क्योंकि झटके थोड़े ज़्यादा लगते हैं इसमें दो सस्पेंशन की वजह से। तो और इस दौरान हमने कंप्लीट करा था लद्दाख राइड के दौरान 4,500 किलोमीटर, तो जो कि मेरी अब तक की सबसे लॉन्गेस्ट राइड रह चुकी है। और इसके बाद मुझे लगा था कि ये सबसे मेरी टफ राइड है। और नेपाल में मेरा सामना होता है कुछ इस तरीके की रोड से, हैवी स्लश, हैवी ऑफ रोड। तब मुझे टेंशन हो गई थी कि शायद बाइक परफॉर्म कर पाए। सस्पेंशन की वजह से कीचड़ और स्लश जो है ये सब बाइक के नीचे टकरा रहा था, तो मैं इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा वरी था। ठीक है, इस बाइक का जो फ्रंट व्हील है वो काफ़ी लाइट वेट है, तो जिसकी वजह से ये अपना रास्ता अच्छे से बना लेती है और ऑफ रोड पर स्लश पर बड़े आराम से निकल जाती है। अच्छी अच्छी बाइक इस स्लश में फंस जाती हैं, लेकिन एवेंजर इस स्लश में बिल्कुल फंसी ही नहीं और आराम से निकलती चली गई। इसके बाद मैंने इसको चलाया नेपाल में ही एक जगह है कुशमा करके, तो वहाँ पर एक डेंजरस सस्पेंशन ब्रिज है, वहाँ पर भी इसको मैंने चलाया है। और आप देख सकते हो यहाँ पर, वहाँ पर भी बाइक ने अच्छे से परफॉर्म करा, अच्छे से हैंडल हो गई। मेरी लिटरली हालत ख़राब थी वहाँ पर कि कैसे हैंडल करूँगा, कैसे क्या होगा, तो किस तरीके का मैंने कोई
स्टंट क्या कह लो या इस तरीके का मैंने कभी लाइफ में अपने कभी नहीं करा था, जैसे कि ब्रिज पर कभी बाइक नहीं चलाई थी। अब इस ब्रिज की एक सबसे सबसे बड़ी खासियत है कि अगर आप जाते हैं तो आना भी आपको इसी ब्रिज से वापस पड़ेगा। और नेपाल राइड के बाद फिर हम गए सिक्किम। सिक्किम गया था मैं 2018 में नवंबर के आसपास, और सिक्किम की राइड भी काफ़ी अच्छी रही, काफ़ी अच्छा टेरेन था और अपहिल डाउन हिल थी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बाइक ने परफॉर्म करा था। लगेज की बात करें तो लगेज ट्रक मतलब माउंट करने के लिए मैं कैरियर लगाता हूँ एक्स्ट्रा, आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वो आप कैरियर दे सकते हो कि मैंने कैरियर को कैसे बनवाया, कैसे इंस्टॉल करा। बाकी सिक्किम का जो टेरेन है वो भी कुछ ऐसा ही है, आपको ऐसे ही मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोडिंग वाला पैच है और काफ़ी अपहिल्स है, स्लश है, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था वहाँ पर भी इस बाइक को चलाने में और ऑफ रोड पर चलाने में, काफ़ी अच्छा लेती है ये बाइक धीरे धीरे आराम से। अगर आप इस बाइक को धीरे धीरे निकालते हो ऑफ रोड पर ये बहुत आराम से निकल जाती है। 2018 के बाद मैं इसके बाद इसको राइड पर लेकर गया एक बार राजस्थान और एक बार फिर से नेपाल लेकर गया, जो कि बहुत अच्छी राइड थी मेरी। उसके बाद जून 2019 में मैं इसको लेकर गया स्पीति। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा मेरा अब तक का इस पर। स्पीति की राइड में तो इसने बहुत ही बढ़िया से परफॉर्म करा, माइलेज इसने 40 का निकाला, आप यकीन नहीं करोगे, क्योंकि सर्विस टाइम टाइम पर होती रहती है। तो अब बात करते हैं इस बाइक की मेंटेनेंस कॉस्ट पर। अब इस पर मेंटेनेंस कॉस्ट की इसकी, तो बेसिकली मैं दो मैकेनिक से अपनी सर्विसिंग करवाता हूँ बाइक की, एक शत्रुघ्न है जिसको आपने अभी देखा और एक तालिफ है जो कि बजाज सर्विस सेंटर पर काम करता है। तो शत्रुघ्न से जब मैं सर्विस करवाता हूँ तब बस मैं मुझे जब इंजन ऑयल चेंज करवाना होता है या फिर वॉशिंग करवानी होती है तब मैं करवाता हूँ, जिस पर मेरा कॉस्ट जो आता है तकरीबन 1100 रुपये, जिसमें मैं पढ़वाता हूँ मोतूल का इंजन ऑयल 15W50 और वॉशिंग और लेबर का चार्ज मिलाकर आता है तकरीबन 1100 रुपये, जो कि देखा जाए तो काफ़ी कम है। और जब मुझे कोई पार्ट चेंज करवाना होता है अपनी मोटरसाइकिल का तो मैं इसको देता हूँ बजाज के सर्विस सेंटर पर, जो कि मेरे घर के नियर बाई है। इसमें तालिब देखता है मेरी मोटरसाइकिल को, जो कि बहुत अच्छा मैकेनिक है और काफ़ी अच्छे से मेरी बाइक को देखता है। मोटरसाइकिल का अभी तक कोई मेजर पार्ट नहीं चेंज हुआ है, चेन स्प्रॉकेट भी अभी स्टॉक कंडीशन का है, टायर भी हैं और सब कुछ ऑलमोस्ट। बाकी जो इसमें चेंज हुआ है वो है इसके ब्रेक शू। तो अब बात करते हैं मॉडिफिकेशन की। तो मॉडिफिकेशन के नाम पर मैंने कुछ नहीं कराया, बस इसमें एक चार्जर इंस्टॉल करा है जिसमें मुझे बैटरी का आउटपुट पता चलता रहता है। यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग के लिए USB है इसमें, साथ में ही वोल्ट मीटर और मोबाइल चार्जिंग। में मैंने कुछ हेड फॉग लाइट इंस्टॉल करी हैं, एक ये वाली फॉग लाइट है और दूसरी वाली फॉग लाइट ये है, जो कि मुझे नाइट राइड में काफ़ी ज़्यादा हेल्प देती है। बाकी जो मोटरसाइकिल है स्टॉक कंडीशन में है, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा मैंने इंस्टॉल नहीं करा है। तो ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है अब तक का इस मोटरसाइकिल पर काफ़ी अच्छा रहा है, क्योंकि मैं काफ़ी टेंशन फ्री होकर कहीं भी जाता हूँ, जब भी जाता हूँ, तो चाहे वो लद्दाख हो, चाहे स्पीति हो, चाहे नेपाल हो। उसका रीज़न ये है कि बाइक का जो टायर है वो ट्यूबलेस है, जब तक ट्यूबलेस टायर नहीं होगा आप टेंशन फ्री होकर जर्नी कर ही नहीं सकते कहीं भी हो। अगर पंचर हो भी जाए, इसमें हो भी जाता है, तो मेरे पास पंचर किट और टायर इन्फ्लेटर दोनों रहता है, तो उसको रिपेयर कर सकते हैं ऑन द गो। तो गाइस, कुछ ये था मेरा अब तक का एक्सपीरियंस इस मोटरसाइकिल पर। अब तक इस मोटरसाइकिल पर एक बार भी पंचर नहीं हुआ है, एक बार भी मेजर ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, मेजर क्या माइनर ब्रेकडाउन भी नहीं हुआ है अभी तक, और कोई मेजर पार्ट भी नहीं चेंज हुआ है मोटरसाइकिल का। स्पार्क प्लग भी अभी वही है और जो क्लच केबल, एक्सेलरेटर वायर सब अभी स्टॉक कंडीशन वाला है, तो बाइक में अभी तक कोई मेजर इशू नहीं आया है। बाइक की जो बैटरी है वो भी अभी स्टॉक कंडीशन वाली चल रही है, उसको आपने देखा कि मैंने वोल्ट मीटर इंस्टॉल किया हुआ, जिसकी वजह से बैटरी का जो आउटपुट है वो एग्जैक्टली पता चलता रहता है कि बैटरी कितनी चार्ज है कितनी नहीं है। तो गाइस, ये था मेरा एक्सपीरियंस मेरी अपनी मोटरसाइकिल के साथ, बजाज एवेंजर स्ट्रीट 220cc, जो कि मैंने खरीदी थी 2017 में। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, और बस और क्या कहना, राइड सेफ, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।